गुड मॉर्निंग बीएड फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पैडागॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पैडागॉजी क्लास के अंतर्गत प्राइवेट ऐतिहासिक युग में मानव विकास, आज हम इस टॉपिक से हम मानव विकास की स्थिति के संदर्भ में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो जो मानव का विकास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, हमारे जो गुरुज है वो उन्होंने अपना जीवन है वो काफ़ी कठिनाइयों में गुजारा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो मानव था जिसका जीवन है वो काफ़ी कठिन था, उसके पास अत्यधिक मात्रा में बुद्धि का विकास नहीं था, फिर भी धीरे धीरे वह विभिन्न युगों में आता गया और उसके अंदर परिवर्तन होने लगा। पहले मानव मनुष्य ने वो आदिम जाति की तरह या पशुओं की तरह जीवन रहते था, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मनुष्य में बुद्धि का तीव्र विकास होता है और मनुष्य सभ्य जीवन जीना आरंभ होता है। अतः हम मानव विकास के सभ्यता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें तो मानव विकास है वो मुख्य रूप से उसका जो संपूर्ण जीवन है उसको मुख्य रूप से तीन कालों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत जैसा प्रथम काल है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा आदि ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से तीन कालों के अंतर्गत इस मानव जीवन को जैसे प्राकृतिक काम आता है ऐसे स्थिति में मनुष्य के अंदर जो वो अपनी जो दिनचर्या होती थी उस विभिन्न प्रकार से मानवीय घटनाओं को लिखित रूप में विवरण वो दिया जाता था। अब मनुष्य सभ्य होने लगा, सभ्य होने के साथ साथ मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बुद्धि का विकास हुआ और वह शिकार पर रहते हुए अब वह कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा और धीरे धीरे वह सभ्य होने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए इस प्राकृतिक काल में मानव अपनी सभ्यता सुरक्षा के लिए पासाओं के उपकरण बनाने लगा, पत्थरों के हथियार बनाने लगा। जब हमें कई प्राचीन खुदाई के दौरान हमें कई प्रकार के उपकरण मिले सभ्यता को। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया, इसके अलावा बच्चों के खिलौने बनाना सीख गया। आदि जानकारी है वो कब से सीख गया, प्राकृतिक काल में मानव का विकास धीरे धीरे होने लगा। पहले वो आदि समुदाय का जीवन व्यतीत करने लगता था, तो अब वह धीरे धीरे स्थायी रहने लगा और स्थायी रहने के साथ साथ में भोजन भी पका कर खाने लगा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ वो करने लगा, जिससे मानव का विकास हुआ और मानवीय घटनाओं का लिखित रूप में लिखा जाता था। इसके बाद में हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम कहें ये भी कह सकते हैं कि ये मानवीय विकास का एक मानवीय जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण काल है जिसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल के अंतर्गत मानव में इतनी समझ विकसित होती है कि मानव है वो विभिन्न प्रकार के उपकरणों या पत्थरों के युग के बारे में उसने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था, जिसे हम नवपाषाण काल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इस काल के अंतर्गत मानव को विभिन्न प्रकार के धातुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और धातुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई तो वह विभिन्न आर्थिक क्रिया भी बढ़ने लगी और आर्थिक क्रिया बढ़ने से वह काफ़ी मनुष्य वो उसके अंदर विभिन्न प्रकार से समझ विकसित होने लगी। अब मनुष्य है वो काफ़ी समझदार होने लगा और वो अपना जीवन ऐसा आराम से ध्यान में लगा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता है, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के अंदर लेखन कला का प्रारंभ हो जाता है, आदि ऐतिहासिक काल कला का प्रचलन हो जाता है, बाद में लेखकों को प्राप्ति इसके बाद में लेखकों की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के लेख प्राप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के अध्ययन प्राप्त होते हैं, जब हमें विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने हुए शिला स्तंभों पर प्राप्त होते हैं, पत्थरों पर प्राप्त होते हैं और इस संदर्भ में मानव है वह धातु के अलावा विभिन्न प्रकार के धातुओं से जो अवगत हो गया था। अब मनुष्य अवगत हो गया था जिससे मनुष्य उन धातुओं से विभिन्न प्रकार की चीज़ें
चीजें बनाने प्रारंभ कर दिया और अपने आभूषण भी बनाने लगे, जैसे सोना है चांदी आदि के संबंध में उसको जानकारी वो प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार से तीनों कालों के अंतर्गत मनुष्य ने अपना विकास के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण तरीके से अपना विकास किया। वो आदि जीवन जो जीता था वो भी उसने छोड़ दिया और स्थायी रूप से रहने लगा। अपने सुरक्षा की दृष्टि से पहले वो गुफाओं में रहता था, गुफाओं की जगह वो घर बनाने लगा। भोजन पहले कच्चा खाना था, अब पक्का खाने लगा। पहले वो व्यवसाय क्या करता था, आजीविका के लिए शिकारी करता था, अब वो कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, साथ ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं भी करने लगा। तब हम कह सकते हैं कि मानवीय विकास की सभ्यता है और जीवन है वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न छंडों या विभिन्न कालों से गुजरते हुए एक सभ्य जीवन तक आती है। मुख्य रूप से तीन कालों से गुजरी है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और